महितपुर की फायर लेडी कही जाने वाली कांग्रेस की नेत्री और पूर्व विधायक डॉक्टर कल्पना पारुलेकर का आज सुबह 10:30 बजे इंदौर के मेदांता हॉस्पिटल में निधन हो गया। डॉक्टर कल्पना पारुलेकर पिछले 15 दिनों से काफी लंबी बीमारी के चलते इंदौर के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती थी। कांग्रेस नेत्री कल्पना पारुलेकर के निधन से पूरे शहर और कांग्रेस पार्टी में शोक की लहर है। डॉक्टर कल्पना पारुलेकर कांग्रेस की काफी कद्दावर नेता मानी जाती थी। वह मुख्यमंत्री कमलनाथ की समर्थक थी। कांग्रेस नेत्री और पूर्व विधायक डॉक्टर कल्पना पारुलेकर ने किसानों के हित में कई बड़े आंदोलन भी किए। वे अपनी ही सरकार के समय 6 माह तक जेल में भी रहीं। उनका आज शाम 4 बजे अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम यात्रा में कई बड़े नेता पहुंचे। कांग्रेस विधायक दिलीप गुर्जर, कांग्रेस के पूर्व विधायक बटुक शंकर जोशी, भाजपा विधायक मोहन यादव, बहादुर सिंह चौहान सहित तमाम बड़े नेताओं के साथ पुलिस अधिकारियों ने भी पूर्व विधायक डॉक्टर कल्पना पारुलेकर के अंतिम दर्शन किए। वहीं उनको अंतिम मुखाग्नि उनकी गोद ली हुई पुत्री गौरी पारुलेकर ने दी। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी ट्वीट कर उनको श्रद्धांजलि दी। किसान मजदूर जिनकी एक बुलंद आवाज जो कल्पना पारुलेकर की थी, आज वो शांत हुई है। निश्चित रूप से कल्पना पारुलेकर जी ने कभी अपने जीवन में सिद्धांतों से समझौता नहीं करा है। हमेशा चाहे सत्ता में रही हो या सत्ता के बाहर रही हो, विधायक रही हो या विधायक नहीं रही हो, परंतु किसानों मजदूरों की आवाज बनकर हमेशा उन्होंने लड़ाई लड़ी है। ऐसे नेता को आज हमने खोया है। मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर, कांग्रेस पार्टी की ओर से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। महितपुर से EMS TV के लिए तन्मय खंडूजा की रिपोर्ट।